जय महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में तृतीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप महाकाल के दर्शन के लिए कैसे पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर है। यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का मंदिर है। अगर आप ट्रेन द्वारा उज्जैन पहुंचना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी आप इंदौर रेलवे स्टेशन से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क मार्ग से आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो सड़क मार्ग से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नियमित बस सेवाएँ उज्जैन के लिए चलती है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, कोटा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली आदि प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की पौराणिक कथा प्रचलित है कि अवंती नाम की एक बहुत ही रमणीय नगरी थी जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय थी। इसी नगरी में वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो परम शिव भक्त था। वहीं रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वरदान के मत से चूर वह राक्षस धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करते रहता था। एक बार वह अवंती नगरी के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया और धर्म कर्म कार्य रोकने लगा। तभी उन ब्राह्मणों ने शिव से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना की और तभी भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए और उस दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। तभी भक्तों ने प्रार्थना की कि बाबा आप यहीं पर रुक जाइए और तभी महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा प्रकट हुए। एक अन्य कथा और प्रचलित है कि आज भी कोई राजा उज्जैन नगरी में रात को नहीं रुकता। अगर रुकता है तो उसका पद या सल्तनत गंवानी पड़ती है। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उज्जैन में रात को नहीं रुकते हैं। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की। महाकाल के दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है भस्म आरती। कालों के काल महाकाल की प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खास बात यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले बुकिंग की जाती है, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामान्य रूप से नियमित दर्शन लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद आप वहीं परिसर में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर व्रत में एक बार नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुलता है। इसके अलावा परिसर में स्थित सभी छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप उज्जैन में कहां कहां घूमें। सबसे पहले आपको क्षिप्रा नदी में पहुंचना होगा। क्षिप्रा नदी ये वही नदी है जहां 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला लगता है। यहां अनेक घाट है जिसमें राम घाट बहुत ही फेमस है। यहां आप स्नान कर सकते हैं तथा यहीं पर आप बोट राइडिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद आप महर्षि संदीपनी आश्रम पहुँचे। यह वही आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ दर्शन के बाद आप मंगलनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। इसके बाद आप वट सावित्री मंदिर, गढ़काली का मंदिर, इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप पहुँचिए बाबा काल भैरव मंदिर। यहाँ पर बाबा को प्रसाद के रूप में दारू चढ़ाई जाती है। यही मंदिर के बाहर जूते चप्पल का निःशुल्क काउंटर बना है। यहाँ पर अपने जूते चप्पल बैग आदि रख कर बाबा के जयकारे लगाते हुए दर्शन कीजिए तथा दर्शन के बाद आप आसपास के छोटे बड़े मंदिर के दर्शन भी कीजिए। ये सभी मंदिरों के दर्शन के लिए दोस्तों आप ऑटो बुक करा लीजिए जो महाकाल मंदिर के पास ऑटो स्टैंड में मिल जाते हैं, जिसका किराया लगभग 300 से 400 के बीच में होता है। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो ये और भी कम हो सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ उज्जैन दर्शन के लिए बस भी चलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंदिर परिसर के आसपास के मंदिर जो आप पैदल डिस्टेंस पर दर्शन करने जा सकते हैं वो मंदिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप श्री
बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन कीजिए जो मंदिर परिसर के सामने ही है। यहाँ आप दर्शन करने के बाद 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि माता मंदिर के दर्शन कीजिए जो कि रात में काफ़ी मनोरम दृश्य होता है। इसके बाद आप यहीं पर स्थित विक्रमादित्य मंदिर पर दर्शन करने जाइए जहां पर राजा विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा स्थापित है, साथ में उनके नौ रत्नों की मूर्ति भी स्थापित है। अब बात करते हैं दोस्तों उज्जैन के अंतिम मंदिर की, जो है भारत माता मंदिर, जो 2018 में मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप कुछ वक्त बिताइए, यहाँ फोटोग्राफी कीजिए, यहाँ पे कुछ वीडियोग्राफी कीजिए और आप इस तरह से महाकाल की नगरी उज्जैन घूम सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि उज्जैन की यात्रा आप कब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आने से बचिए। इसके अलावा आप रामनवमी में आने से बचिए, इस समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा दोस्तों आप साल के 12 महीने कभी भी आ सकते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि उज्जैन घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करें और इस ट्रिप में कितना खर्चा आएगा। अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो एक दिन में भी ये पूरी ट्रिप कर सकते हैं, फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं। यहाँ पे आप मंदिर की ओर से बने धर्मशाला में रुक सकते हैं जहाँ पर रूम आपको 400 से लेकर 1000 रुपये तक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मंदिर परिसर के आसपास कई सारे धर्मशाला हैं जहाँ पर आपको 300 से लेकर 500 के बीच में रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे कई सारे प्राइवेट होटल हैं जिनका किराया 300 से लेकर 1000 रुपये के बीच में होता है। और यहीं आसपास दोस्तों आपको भोजन के लिए कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां आपको शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्मित एक रेस्टोरेंट भी है जो भारत माता मंदिर के पीछे में स्थित है। अगर आप उज्जैन आए हैं और महाकाल के दर्शन कर लिए हैं तो आप यहां से कुछ खरीद के ले जाना चाहोगे तो आपको यहां पर बाबा महाकाल के ऊपर चढ़े हुए पुष्प द्वारा निर्मित अगरबत्ती तथा धूप आपको दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट के बाहर लगे हुए दुकानों पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जैसी प्रिंटेड टी शर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खर्चा की बात करें दोस्तों तो मोटा मोटा हिसाब एक व्यक्ति का 1000 से 1200 रुपए के बीच में आप पूरे महाकाल की नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपके शहर से उज्जैन आने का खर्चा शामिल नहीं है, ये खर्चा पूरे उज्जैन घूमने का है। तो दोस्तों ये थी उज्जैन यात्रा की संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।